हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है बहुत ही स्पेशल है। आपने थंबनेल भी देखा होगा और टाइटल भी पढ़ा होगा कि आज के जो ब्लॉग है का बहुत हमेशा ही का नाटक। स्पेशल चल है। तुम गाड़ी लेगा कि आर ला जाएगा परेशान करने। थैंक ये यू केक किसके लिए आ रहे? पापा पापा का आज बर्थडे। का बर्थडे है क्या? क्या इसमें दिखाओ। इसमें केक है, इसमें अंदर केक है, आ फ्यूल मतलब कैंडल है, हाँ कैंडल भी वो स्पार्कल कर रहा है, फिर बलून्स है और हाँ ये बलून्स ठीक है, कुछ पहले रख और कुछ दो। चॉकलेट। मेरी तो कुकीज फिर बताती हूँ आपको आज क्या है है क्या। आयु और शैमू के पापा का बर्थडे, मतलब शिन्हा जी का आज बर्थडे है, और हम दोनों तीनों गए थे केक लेने के लिए। तो वही हम लोग केक लेकर आए हैं। गर्मी बहुत है तो पहले तो फटाफट मेन फ्रिज डे में आज डाल है रहे हैं पापा का चीज। बर्थडे और पापा हमारे लिए सब कुछ कर लिए। हमने सोचा पापा आज उनको थोड़ा सा रूम में लेकर गए। हमने सोचा कि हम लोग कल दोपहर के समय हम लोग चलेंगे केक वगैरह लाने। तो हमने केक तो ले आया है, अभी देखिए हमने और ये जो है ना ये हैप्पी बर्थडे ऐसा पूरा बन जाएगा बलून टाइप में। पता है और इसको ये स्टोन मिला है। ठीक है, अपना स्पार्कलिंग कैंडल। बस कहाँ जा रहे हो, डिक्की खोलना स्टोरी का। क्या हुआ? बॉटल अंदर है ना। क्या छुपा रहे हो पीछे अरुण? ये मेरे पापा की एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे माय सुपर हीरो। अच्छा, फ्रॉम अरुण। हाँ, आई लव यू पापा, यू आर माई सुपर हीरो, माई लाइफ एंड एवर थिंग। यू आर वेरी स्मार्ट बॉय लाइक मी। यू ऑलवेज हेल्प मी इन एवरी थिंग। यू हैव गिवन मी एवर थिंग एवरी थिंग। मैं हूँ ये पापा हम फुटबॉल खेल रहे हैं। मेरे पापा के फुटबॉल में ये सही फुटबॉल बोल रहा हूँ पापा के मैंने एक फोटो छिपकाया जब माई लव ही मतलब माई लवली ही। सो फ्रेंड, आपने देखा समृद्धि और अरुण ने दोनों ने पापा के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड बनाया है। सिन्हा जी तो 10 बजे ऑफिस के लिए निकल गए और हम सभी ने मिलकर के ये सब प्लान किया है। तो अभी हम दो तीनों मिलकर के डेकोरेशन का काम कर रहे हैं। और वैसे बच्चों का बर्थडे होता है तो सिन्हा जी खुद ही सारा डेकोरेशन करते हैं, मतलब मैं हेल्प करती हूँ बट करते वो है। लेकिन आज ऐसा हो गया है कि हम दोनों को ही जब उनका बर्थडे आता है तो हम तीनों ही मिल करके करते हैं। तो हमने सोचा कि पहले जल्दी जल्दी हम सजावट कर लेते हैं। यह हमारा अभी लास्टिक पीस बाकी है। चलो चलो करो। अब ठीक है मम्मा। तो यहाँ पे हमने हैप्पी बर्थडे का जो फुलाया ना, तो बलून तो वो क्या हो गया ना कि वो उसकी जो जगह कम हो रही थी और हम मेरे पास जो मैंने इसमें थ्रेड डाला था ना वो भी छोटा पड़ रहा था। तो बड़ी मशक्क़त हो गई थी और ध्यान ही नहीं था कि मैं दूसरी मतलब रिबन लेकर के पूरा एक ले लूँ लंबा। तो थोड़ा सा उसमें हम दोनों तीनों हम परेशान हो गए थे, खासकर हम और समृद्धि। आरुल को तो बहुत मज़े हैं, वो तो मज़ा कर रहा है, बस परेशान किए जा रहा है, बलून फोड़ रहा है। और हम दोनों मिल के चाह रहे हैं जल्दी जल्दी सारे बलून को शेड कर ले, क्योंकि क्या है ना कि आरुल फोड़े जा रहा है बलून को और उसको कुछ बोल नहीं सकते अभी, अपना अपना काम करना है, नहीं तो मैं उसके पीछे अगर बोलूँगी तो बहुत टाइम ले लेगा वो। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं बलून की सजावट। और वैसे भी अभी सिन्हा जी के आने का एकदम से टाइम हो रहा है तो बहुत फास्ट हम दोनों का तीनों मिल करके कर रहे हैं। तो चलिए पहले फटाफट सजावट कर लेते हैं। बर्थडे बॉय आ गए। ये देखिए अरे पानी मम्मा कुछ ज्यादा ही चिल्ड वाला पानी है। बच्चों ने जो सरप्राइज प्लान किया था ना, पापा को पता चल गया क्योंकि वो स्कूटी की जगह से हिली हुई थी। तो बोलते हैं कि मुझे पता चल गया था, वैसे कुछ पता नहीं चला है। बच्चों को वैसे ही परेशान करते हैं। खैर शाम हो गई है, अब हम सभी केक काटने की ओट तैयारी पे क्या कर रहे हैं। लगाया? एक किसने लगाया? जीजी ने। मैंने लगाया। दिखो दिखो दिखो
कुछ उठ करके उठ। ये लड़की है, साइड हो जा। ये लड़की है, अरे पागल। तो फ्रेंड हम लोगों ने मतलब छोटी सी अपनी पार्टी रखी है चार जन की ही। तो मैं कर रही हूँ शाम की दिया लगा रही हूँ और उसके बाद केक कटेंगे और फिर हम सभी जाने वाले हैं रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे हमारे जो छोटे सिन्हा जी हैं वो भी पापा के लिए यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं और बेटी भी है क्योंकि आज पापा का दिन है। और बच्चों को ये लगता है ना कि पापा पूरे साल हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं तो पापा के लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। और सैमू ने बहुत ही खूबसूरत सा बर्थडे कार्ड बनाया है पापा के लिए और आयु ने भी बनाया है जो कि आपने देखा भी है। तो अब केक लेकर के जा रहे हैं और केक कटने की तैयारी। तो बच्चों के बर्थडे होते हैं या मेरे होते हैं तो सब में सिन्हा जी मेन होते हैं, बट यहाँ पर ना हम तीन भी मिल के कर रहे हैं उन्होंने, और वो भी आकर के रेडी होकर के चुपचाप बैठे हुए देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, ये लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो हमेशा से इनके बर्थडे में ऐसे ही होता है। तो ये है, अब चलिए केक काटने की तैयारी हो रही है तो फटाफट हम लोग केक काटेंगे और उसके बाद रेस्टोरेंट के लिए निकलेंगे क्योंकि आरुल को ना मतलब 8:30 होते होते उसको नींद आने लगती है। तो लेकिन अभी तो छुट्टी चल रही है स्कूल की तो थोड़ा लेट से सुबह में उठता है, इसलिए कोई बात नहीं है, अभी एक घंटे और कोशिश कर सकता है वो जगने की, लेकिन कोई गारंटी उसकी नहीं है। और सिन्हा जी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा डेकोरेशन बहुत ज़्यादा खुद के लिए नहीं पसंद है तो इसलिए हमने एकदम से सिंपल सा सजावट किया है, नहीं तो और बहुत कुछ कर सकते थे। और वैसे भी टाइम नहीं था क्योंकि 10 बजे ही निकले हैं, उसके बाद मुझे भी बहुत सारे काम थे, मैंने ख़त्म करके फिर हम लोगों ने शुरुआत की थी, लेकिन जो भी किया है उनको अच्छा लगा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए पहले केक कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड आज की शाम पापा के लिए है, स्पेशली पापा के लिए, क्योंकि पापा जो हैं वो पापा वो होते हैं जो बच्चों के दिलों में बसते हैं। पापा डांटते भी हैं और प्यार भी करते हैं, तो इसका मतलब बच्चे पापा से किस हद तक प्यार करते हैं, जब पापा के लिए कुछ स्पेशल डे आता है ना तो देखने को मिलता है और समझ में आता है कि बच्चे क्या कर सकते हैं। मेरा मेरे पास मुस्टैच तो नहीं है, ये खोल बट दे दिया मैंने। वही हम उसको बोले कि पापा के पास तो नहीं है। ओपन इट, दिस कार्ड आल्सो नहीं ओपन करना है। हां बहुत कुछ ओपन करना है, ये नहीं ओपन करना, वो है ही नहीं उसमें। तो तुमको इतना कहां से पता है उसके कार्ड के बारे में? मैं उसने मेरा देखा, उसने मुझसे बनवाया था। समृद्धि ने जो कार्ड बनाया था ना उसमें पापा कि मुझे बना दी थी, तो पापा बोल रहे थे कि मेरे पास मुझे तो नहीं है तो मुझे क्यों बनाई। तो शैमू का मन किया मुझ बनाने का, कार्ड बहुत खूबसूरत बनाया था तो मैंने आपको दिखाया भी है। और अब हम लोग निकल रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए, तो चलिए पहले फटाफट चलते हैं रेस्टोरेंट। और रेस्टोरेंट जो है वो मेरे शहर की में महफिल है, ग्रैंड महफिल रेस्टोरेंट है, होटल है, तो उसी के रेस्टोरेंट में हम लोग जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ की जो मील होती है ना, खाने होते हैं ना, फूड मुझे और मेरे फैमिली को बहुत पसंद है, मतलब अच्छी लगती है। और उसके अलावा और भी जगह दो तीन जगह है जहाँ दो तीन होटल जहाँ के अच्छे लगते हैं, बट अभी हमने यही डिसाइड किया आने का। और बाकी वैसे हमें कहीं का खाना अगर कभी ट्राई भी करते हैं और जिस रेस्टोरेंट या होटल का खाना हमें पसंद नहीं आता है तो फिर हम दोबारा वहाँ जाने की कोशिश नहीं करते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं होटल में, देखते हैं सीट है कि नहीं, क्योंकि वेटिंग बहुत यहाँ पे होती है। Thank you.
चुकमा, पनीर टिक्का और सूप। बहुत ज्यादा स्पेशली मतलब बच्चे भी खा सकते हैं उसका, खा लेते स्पाइसी। क्या दूसरा मतलब व्हाइट मैरिनेशन में चलेगा? नहीं, रेड मैरिनेशन में चलेगा। बाकी मेन कोर्स का बात, मेन कोर्स पसंद आया? 2400 सर वेज आ गया। तो यहाँ पे ऑर्डर हुए हैं, तो आ गया है सूप और उसके साथ में पनीर टिक्का आया है और साथ में हमने चिकन टिक्का ऑर्डर किया था। तो शैमू को बहुत पसंद है चिकन टिक्का, अरुल को बहुत पसंद है पनीर टिक्का, तो दोनों बच्चों के पसंद से ही आ रहे हैं और हम दोनों बस बच्चों के पसंद में अपनी पसंद बना रहे हैं। तो ऐसे ऑलमोस्ट मैं मजाक कर रही थी, ऑलमोस्ट अब हम सभी के टेस्ट एक जैसे ही हैं। तो हमने ऑर्डर कर दिया है और जल्दी ऑर्डर भी आ गया है। तो अरुल जो है ना वो अपने सूप को इंजॉय कर रहा है, उसको सूप बहुत पसंद है। और लेकिन क्या सबसे बड़ी ये हो जाती है ना परेशानी, कि वो सूप के साथ पानी भी पी लेता है, कि सूप थोड़ी तीखे लगते हैं। और ये जो आया है ये चिकन टिक्का आया है, ये भी बहुत ही अच्छा था, बहुत टेस्टी था। आप हमारे शहर से हैं तो महफिल में अगर जाते हो तो आपको वहाँ का टेस्ट पता होगा, अगर नहीं जाते हैं तो एक बार ज़रूर जाइएगा और वहाँ के खाने टेस्ट कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों के स्टार्टर हो गए हैं, सूप हो गए हैं, अब मेन कोर्स का ऑर्डर गया है और अब हम सभी सिर्फ बातें कर रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि अरुल के सोने का कहीं टाइम ना हो जाए। तो मेन कोर्स भी जल्दी ही आ गया और मेन कोर्स आने के बाद अभी आने ही का है, आ चुका है, प्लेट वगैरह तो लग चुकी है। तो मेरे जो सिन्हा जी हैं ये इन्होंने क्या किया है, चुपचाप ले आया है, वे घर से मोबाइल लेकर के आया था और बैठ के गेम खेल रहा है। तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि बच्चे बाहर पेरेंट्स ले जाते हैं एंजॉय करने के लिए और मौका मिलते ही ऐसे मोबाइल नहीं लेंगे, लेकिन मौका मिलते ही बस मोबाइल में ऐसे घुस जाएंगे ना, कि समझ में नहीं आता है। वही मैं उसको बार बार बोल रही कि तू बाहर आया है तो थोड़ा सा इंजॉय कर ले, फिर घर जा कर के वही सब। लेकिन नहीं साहब, बस आँखें फाड़े हुए हैं मोबाइल के स्क्रीन में। तो खैर, यहाँ पे हमने जो ऑर्डर किया था वो मेन कोर्स का वो आ गया है। तो यहाँ पे मेन कोर्स के साथ साथ हमने यहाँ पे लेमन सोडा ऑर्डर किया था स्वीट्स वाले, तो स्वीट्स और सॉल्टी दोनों थे मिक्स। तो खाना मतलब बाहर में अगर आप डिनर ले रहे हो ना तो उसके साथ में अगर लेमन सोडा नहीं लिया तो फिर मुझे तो खैर बहुत पसंद है, मतलब डिनर के साथ में ये लेमन सोडा। और यहाँ हमारे साहब बहुत इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो आइस क्यूब डाला हुआ है ना और चेरी है ना रेड रेड, अरुण बस उसी को देख रहा है, वो सिर्फ बर्फ़ खाने के चक्कर में, उसको खांसी भी हो रही है और मुझे डर लग रहा है कि कल इसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। बाकी कुछ नहीं होगा, बस इसकी सर्दी शुरू हो जाएगी। तो खैर हमारा हो गया है, तो सिन्हा जी ने बिल भी पेड कर दिया है। और यहाँ हमारे अरुल जो है वो जो मीठी सुपारी मिली है वो खूब पसंद से खाए जा रहे हैं। पापा का बर्थडे हो गया। और अरुण कुछ खाया कि नहीं? खाया बर्थडे खत्म हो गया अरुण पापा का। आज बर्थडे था, पापा का तो खाना आया था, खाना खा के जाऊंगा, सो जाऊंगा। लेकिन दीदी पेट नहीं ठीक है क्या? बर्थडे बॉय की शक्ल पे कोई टेंशन नहीं है, जो पार्टी के लेने आए उसके हीरो हीरो बन गया है। नहीं जेंटलमैन का, चलिए फ्रेंड हो गए डिनर, पार्टी भी हो गई और पापा के का बर्थडे था, लेकिन पापा के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, बच्चे उदास हो गए हैं कि पापा का बर्थडे जा रहा है। तो ये हो गया है और बच्चे अपने बर्थडे में तो खैर पूछिए मत, दोपहर के बाद से उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अरे बर्थडे तो बीत रहा है, अभी बर्थडे एक साल बाद आएगा। तो वैसे ही पापा को भी इन लोगों को लगता है ऐसे ही पापा का तो बर्थडे था तो उसका पार्टी करने। चलो देखते हैं दीदी क्या कर रही है। तो चलिए फ्रेंड, ब्लॉग बहुत लंबी हो गई है, ब्लॉग को अब यहीं पे करूँगी एंड और हम लोग घर के लिए निकल रहे हैं। तो
आपको मेरी ब्लॉग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और ये है होटल के बाहर का लुक, और द ग्रैंड महफिल होटल है। तो आप लोग हमारे शहर से हैं तो यहाँ पे अगर नहीं आए हैं तो यहाँ के जो खाने हैं ना बहुत ही टेस्टी थे और बहुत ही टेस्टी हमेशा रहते हैं। इनके जो भी शेफ रहते हैं बहुत ही अच्छी, मतलब उनकी कुकिंग है। तो खैर चलिए फ्रेंड, मैं अपने ब्लॉग से लेती हूँ विदा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए।